Hello friends, welcome back to my channel. I am Kasturi from Purple Brush. आज मैं आप लोगों को एक स्टिल लाइफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जो रेफरेंस है ये मैंने अपने ही फ़ोन से फ़ोटो लिया था और इसका पहले मैंने कंपोजिशन किया. जो बॉटल है और फ्रूट्स को मैंने एक टेबल के ऊपर प्लेस किया है और इसके बाद फ़ोटो लिया है. ये नेचुरल लाइट पे ही आपको फ़ोटो लेना है. स्टिल लाइफ ड्राॅइंग रहे हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रख के उसका स्केच फिर उसका वाटर कलर में या तो कोई जो भी मीडियम आपको पसंद है आप वो कर सकते हो. आगे जाके हम वाटर कलर करेंगे और पहले इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करते रहूँगी. तो आप इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को एंड तक देखिए कि कहीं पे भी जो ट्रिक्स है शेयर करूँगी आपके साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो ड्राइंग है उसको मैं चालू करती हूँ. मैं एक सजेशन मैं दूंगी यहाँ पे. आप अगर स्केच कर रहे हो सबसे ज़रूर है कि पेंसिल, अच्छा पेंसिल लेना ज़रूरी है. जो कोई भी HB पेंसिल या तो 2B इज़ द बेस्ट, मैं वो सजेस्ट करूँगी. हार्ड पेंसिल यूज़ मत कीजिए क्योंकि हार्ड पेंसिल जब आप कहीं पे गलती हो गया तो उसको इरेज जब करोगे तब उस अच्छी तरह से वो इरेज नहीं होगा, उसका एक जो स्क्रैच है वो दिखाई देगा. इसीलिए आपको HB या तो 2B पेंसिल यूज़ करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ड्राइंग. फर्स्ट पहले पूरा प्लेसमेंट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम प्लेस करेंगे, क्योंकि बॉटम से शुरू किया जो फ्रूट्स है वहाँ से मैं चालू कर रही हूँ. क्योंकि अगर बॉटल से चालू करेंगे तो नीचे आके कोई प्लेस नहीं रहता है जहाँ पे वो बाकी जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें. इसीलिए आपको सबसे पहले जो बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करना है. करने के बाद धीरे धीरे आप ऊपर जाइए. पहले जो फ्रूट्स है उसको स्केच कर रही हूँ. ज़रूरत नहीं है कि आप डिटेल ड्राइंग करो, पर आप एक मार्क दे के जाओ, शेप बनाओ. जो ऑरेंज है ऑरेंज का शेप, पोमोग्रेनेट का शेप ऐसा बनाओ आप. और जो लाइट एंड शेडो है उसका थोड़ा सा एक मार्क दे दो. अभी हम बॉटल स्टार्ट करें. ये देखिए मैंने कैसे नीचे का ऑब्जेक्ट, जो बॉटम का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पूरा करने के बाद ही बॉटल को आगे ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ. तो बॉटल का जो शेप है दोनों साइड इक्वल नहीं है और उसी तरह से हम बॉटल को ड्रॉ करते हैं. जब ड्राइंग करोगे तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कितना उसका लेंथ है. अगर ये ड्राइंग में देखिए जो नीचे वाला पार्ट है, जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो नल वाला पार्ट है वो बहुत ही छोटा है. और ऐसा करके हम ड्राइंग को पूरे कंप्लीट करते हैं और जो डिटेल है ब्रांचेस है उसको ऐड करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट कलरिंग. इस पेंटिंग में हम देख रहे हैं कि जो बॉटल है उसका कलर ब्लू है, तो बोबल ब्लू लिया है, पर्शियन ब्लू लिया है और ऑरेंज के लिए बुज ह्यू और सैप ग्रीन, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन है तो सैप ग्रीन लिया है. पोमोग्रेनेट है उसके लिए क्रिम्सन लेक और बर्न सियना, इतने ही कलर. और मैंने लेमन येलो भी लिया है. और अभी देखिए हर एक, जब भी आप कलर करोगे इस सबसे पहले आपको कलर प्रिपेयर करके रखना है. जितना सफिशिएंट कलर चाहिए आपका उतना ही कलर आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, ताकि जब कलर करना चालू करें तो आपको सफिशिएंट कलर रेडी रहे. इसीलिए सबसे ज़रूरी है पहले आप कलर को प्रिपेयर करो. अब देखिए मैं अभी कलर प्रिपेयर हो जाने के बाद अभी कलर जो करूँगी, बॉटल से मैंने कलर शुरू कर रही हूँ. ये धीरे धीरे मैं नीचे इसको स्प्रेड करूँगी. ये वेट एंड ड्राई प्रोसेस है. पहले जितने भी ड्राइंग दिखाई आप लोगों को वेट एंड वेट था, देख ऊपर दिया हुआ है, आप एक बार उसको चेक कीजिए. यहाँ पेपर ड्राई है उस पर मैंने वेट कलर यूज़ किया है. मैं पूरे बॉटल को जो एक बेस कलर है ब्लू, कोवल ब्लू से बेस कलर अप्लाई किया है. नाउ आई एम डूइंग द पोमोग्रेनेट, उस पर क्रिम्सन लेक और बर्न सियना मिक्स करके जहाँ पे लाइट आ रहा है मुझे वो लाइट मेंटेन करना है. येलो भी मिक्स किया है. आपको कलर इसी तरह से धीरे धीरे मिक्स करना है पेंटिंग में. पोमोग्रेनेट के कलर हो जाने के बाद मैं ऑरेंज कलर को भी कर रही हूँ. ऑरेंज के ऊपर सैप ग्रीन और बर्न सियना
दोनों मिक्स करके ये कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा लाइट है इसीलिए मैंने वो जगह पे लाइट छोड़ दिया है। कभी भी आपको हार्ड एज नहीं रखना है, मैंने इसी तरह से आपको धीरे धीरे कलर आगे बढ़ना है। मैं ग्रेप्स को भी कर रही हूँ, हर एक का बेस जो कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ थोड़ा सा डार्क है वहाँ पे बर्न से ऐसे करके मैंने पूरा ग्रेप्स को कलर किया है। आपको इसी तरह से कलर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप रेफरेंस थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए और धीरे धीरे उसका कलरिंग करते जाइए। सिर्फ ग्रेप्स अभी ऊपर का कैप है उस पर मैंने डार्क पर्शियन ब्लू और बर्न सियना मिक्स करके थोड़ा डार्क किया है और उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको डार्क डार्क रखा है। कैप है उसको अलग दिखाने के लिए उसको डार्क किया है मैंने, और जो वाइट लाइट है उसको लाइट ही छोड़ दिया है। अब जो भी हार्ड एज रहेगा उसको आप ब्रश से उस पर पानी थोड़ा सा वाटर लेकर ब्लेंड कर दीजिए। ये देखिए मैंने हार्ड एज को ब्लेंड कर रही हूँ। आपको रेफरेंस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे रेफरेंस है उसको मेंटेन कीजिए। आप कहाँ पे लाइट आ रहा है वो नोटिस कीजिए अच्छी तरह से। इसी तरह से पेंटिंग को करते रहिए। जितना आप स्टिल लाइफ जब भी वाटर करोगे, कोई भी पेंटिंग करोगे, तो आप स्टिल लाइफ ज़्यादा करना ताकि उस पर कलर वैल्यू जो है और जो लाइट एंड शेड जेक पे गिरता है तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टिल लाइफ ड्राइंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डायमेंशन कलर सेंस ग्रो होगा। धीरे धीरे इसका पिगमेंट बढ़ाते जा रही हूँ और जहाँ डार्क कलर है उसी तरह से मैं उसको पेंट कट करते जा रही हूँ। देखिए जो कलर है उस पर एक के ऊपर एक लेयर वाइज कलर चढ़ा रही हूँ। ये ग्लास फीलिंग आपको आ रहा है क्योंकि वो जो ट्रांसपेरेंस दिखाई दे रहा है। इस जगह पे हम जो ब्रांच है ग्रेप्स का वो ब्रांच डालेंगे, इसीलिए पानी से मैंने उसका कलर मैंने निकाल लिया है। अब जब भी ये कलर वेट रहेगा उस तभी आप हल्का पानी से ब्रश से आप उसको निकाल दीजिए, तो आप जो ग्लास का जो रिफ्लेक्शन आता है कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। पोमग्रेनेट में कई जगह पे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है तो मैंने ग्रीन यूज़ करे, ग्रीन और सेब्रीन और बर्न सियना मिक्स करके फिर थोड़ा सा ग्रीनी शेक्टिन दे रही हूँ मैं। ये सेकेंड वॉश है, इसका पिगमेंट मैंने बढ़ा दिया है। इसी तरह से आपको पिगमेंट बढ़ा के फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाएगा, इसके बाद ही आप सेकेंड लेयर यूज़ कीजिए। जहाँ ज़रूरत है आपको लगता है कि यहाँ पे कलर डालना है तो आप कलर उसी हिसाब से आप कलर डाल दीजिए। इस साइड थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा शेडो जैसा आ रहा है, तो हम इसको और धीरे हम इसको ब्लेंड कर दिया है। जो भी रेफरेंस लोगे हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखो। ग्रेप्स को भी अलग करना है, जहाँ पे अलग करना है वहाँ पे डार्क शेड मैंने दे दिया। इसी तरह से आपको ग्रेप्स को अलग करना है।
जितना लाइट का ज़रूरत है वो लाइट लग के उसी हिसाब से आपको शेड करना है। अभी ब्रांच मैं कर रही हूँ, ब्रांच को भी ब्रांच सियना और पर्शियन ब्लू यूज़ करके डार्क बना के उसको कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं छोटा छोटा ब्रांच सेट कर रही हूँ। आपके घर पे कोई भी चीज़ हो आप वो सामने रख के रियल लाइफ ड्राइंग कर सकते हो। आप इससे कंपोजिशन का जो सेंस है वो भी डेवलप होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप रेफरेंस ले लीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारा रेफरेंस आपको मिल जाएगा और उसी हिसाब से घर पे आपका कोई भी सामान है तो उसी तरह से आप उसका प्लेसमेंट करके आप एक कंपोजिशन कर सकते हो जितना भी आप। तो ये ऐसे ही टिप्स मैं अपने वीडियोस में मैं देती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स हो वो आपको पता चल जाएगा। मैं हर एक मीडियम में जो मैं काम करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर कोई क्वेरीज है प्लीज़ शेयर विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको अगर कलर मिक्स करना है तो ओनली यू हैव टू मिक्स टू कलर्स। आप तीन चार कलर एक साथ मिक्स करके कोई कलर मत बनाइए। और मेरे ख्याल से जो बिगिनर्स है उनके लिए सिंगल कलर ही यूज़ कीजिए। धीरे धीरे जब कमांड आ जाएगा कोई भी मीडियम में तो आप उस पर ट्राई कीजिए कि कैसे कलर दो कलर तीन कलर मिक्स करके आप कलर बना सकते हो। इसी तरह से अब कलर फिल करना है हर एक ऑब्जेक्ट में। पिगमेंट में जब ड्राई हो रहा है फर्स्ट लेयर उतने भी सेकेंड वॉश दे रही हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है हल्का सा, जो बॉटल है उसका रिफ्लेक्शन नीचे गिर रहा है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं एक टचअप दे रही हूँ। ये ड्राइंग ये पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। नाउ दिस इज डन। अभी थोड़ा सा जहाँ इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उस पर पेंसिल से रिफ्लेक्शन को बढ़ा रही हूँ जहाँ ज़रूरत है। आप यूज़ कर सकते हो पेंसिल, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा पेंसिल यूज़ करना है। मेरे पास था इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर टचअप दिया। अभी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। So that's it for today's video. I really hope you guys enjoyed it and thank you so much for watching. And I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and happy painting.